उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। तड़के सुबह से ही राजधानी पटना के घाटों पर छठ व्रती पहुंचने लगे और पूरी विधिवत तरीके से उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया। उसके बाद चार दिवसीय छठ महापर्व अब पूरा हो गया है। इस दौरान घाटों पर रात रोशनी और रहने की व्यवस्था भी की गई थी। घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बांस की टोकरी में मौसमी फल, ठेकुए, गन्ना और पूजा का सामान सजाया गया। छठ गीतों के साथ घाट भी छठ की छटा से दमक रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं ने घाटों पर आस्था की डुबकी भी लगाई। छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए प्रशासन द्वारा घाटों पर व्यापक व्यवस्था भी की गई थी। आपको बता दें कि पटना के गंगा किनारे करीब 100 घाटों पर श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। इस दौरान व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। तमाम घाटों पर मेडिकल कैंप लगाए गए और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई। इससे पहले रविवार शाम को व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया था। सभी घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास आज उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद पारण के साथ ही पूरा हो गया। भगवान भास्कर की उपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ पूरे बिहार में शांति और श्रद्धा के साथ सुबह के उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। छठ महापर्व को लेकर के बीते चार दिनों तक पूरे बिहार में भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा था। चारों ओर छठी मैया के गीत गूंज रहे थे। गंगा नदी के तट के अलावा लोगों ने अपने घरों और तालाबों में भी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। इस दौरान घाटों पर सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था भी देखी। घाटों पर नावों की तैनाती भी की गई। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने और अप्रिय घटना से बचने के लिए लगभग 5,000 अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए। इसके अलावा शहर के कई घाटों पर 300 से अधिक SDRF और NDRF की टीम भी तैनात रही। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सुबह सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंची तमाम छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को सुबह का अर्घ दिया और इसके साथ ही आज चार दिनों तक चलने वाला ये छठ महापर्व संपन्न हो गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।